हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ PCG का डॉग फूड, दैट इज स्मार्ट हार्ट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, जिसपे एक प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर बना हुआ है। ये 10 किलो का बैग है और इसका जो फ्लेवर है वो है चिकन एंड एग फ्लेवर, जो सभी डॉग्स को बहुत पसंद है। ये एडल्ट का फूड है जिसके की फीचर्स मैं आपको बताती हूँ। एनहांस ब्रेन फंक्शन है ये फूड खाने से मिलेगा। दूसरा जो है वो हेल्दी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एंड थर्ड इज हेल्दी स्किन एंड कोट। ओके, तो इसके जो फीचर्स है इसमें ये है, प्रोवाइड करता है इसके ये तीन अलग कलर में। इसका शेप भी अलग है केबल का और कलर भी अलग कलर इसमें आते हैं, तीन अलग कलर में। एक बोल शेप है, एक हार्ट शेप है और एक थर्ड जो भी शेप है, आई डोंट नो, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ नीचे लिख देना। आई थिंक वो लीवर शेप है। आप ये पीछे के बैक के पीछे जो इन्फॉर्मेशन ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें DHA है, Omega-3 फैटी एसिड है एंड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मतलब इन्ग्रीडियंट्स हैं। पोल्ट्री मील है, राइस है, सोयाबीन मील है, चिकन ऑयल है, इसमें ड्राइड होल एग भी है, फिश ऑयल है सबसे इम्पॉर्टेंट हो, एंड मिनरल्स है, कैल्शियम है। तो इसके जो फीचर्स है वो पीछे लिखे हैं। एनहांस ब्रेन फंक्शन जिसमें DHA आता है, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है, Omega-3 है जिसके वजह से हेल्दी हार्ट भी है, स्किन और कोट भी अच्छा होता है Omega-3 N6 से। इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन ए और सेलेनियम फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है। हेल्दी डाइजेशन के लिए भी इसमें मतलब अच्छे इंग्रेडिएंट्स है और स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टिथ के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है। तो मैं ये आपको पक्का बता सकती हूँ कि इसके वजह से इसकी जो स्टूल क्वालिटी है वो सच में अच्छी होती है। मेरी बेटी की सुधर गई है स्टूल क्वालिटी। आपको अगर ये नया फूड चालू करना है तो ऐसे 7 दिन में आपको धीरे धीरे ऐड करके वो देना है पहले वाले फूड में। ओके, और ये जो फूड है इसकी खासियत आपको एक अलग लैंग्वेज दिखाई दे रही होगी, और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है इट इज़ मेड इन थाईलैंड। ओके, और ये 10 kg का बैग है। इस पर कॉन्टैक्ट एट ये जो है कंपनी का नाम वो दिया हुआ है PCG का, वो आप ईमेल कर सकते हैं उसके ऊपर। ये 10 kg के बैग की MRP है 1820 रुपीज़, बट ये मुझे मिला है 1650 में मेरे नज़दीकी दुकान में। और ये कौन से एज वेट के डॉग को कौन से कितना फूड अमाउंट में फूड देना है इस पे लिखा हुआ है सारा। ओके, इसके अगर न्यूट्रिशन एनालिसिस में बताऊँ तो इसका जो प्रोटीन है वो सबसे अच्छा है 23%। हाँ ओके, एंड फैट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ 8%। फाइबर इसमें 4.4% है एंड इसमें मॉइस्चर 10% है। इसकी वजह से ना मॉइस्चर होने की वजह से इसका डाइजेशन भी अच्छा होता है, और प्रोटीन अच्छा होने की वजह से और फैट कम होने की वजह से ये फूड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और हाँ, कुछ कलर्स एडेड है इस फूड में बट कुछ प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है। ओके, तो मैंने ये मेरे बेटी को दिया है, इसमें मैं एग या पनीर मैं इसमें ऐड करती हूँ ताकि उसकी प्रोटीन की जो वैल्यू है वो और बढ़े। और ये बड़े ही चाव से और प्यार से खाती है, इसको ये फूड पसंद है, इससे इसका डाइजेशन अच्छा हुआ है। ओके, तो दिस इज़ इट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सी यू लेटर।